राष्ट्रीय भीम रतन सम्मान का आयोजन आज दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमारे साथ इस समय पूर्व चुनाव आयुक्त एवं पूर्व आईएएस रिटायर्ड अधिकारी दिलीप सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे। आज मंच पर कार्ल मार्क्स का भी जिक्र हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र हुआ। कार्ल मार्क्स की जो लड़ाई थी वो पेट की लड़ाई थी, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारा जो समाज है, जो पूंजीपति के नीचे दबा हुआ है, उसको उभारा जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो लड़ाई थी वो नाक की लड़ाई थी। आपको भूख लगेगी तो आप पेट पर हाथ मारेंगे, और आपको सम्मान चाहिए तो आपको नाक के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा। तो सम्मान की लड़ाई सारी जीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ते रहे, और इस हाथी जैसे विशाल दलित शोषित वंचित पर जो समाज है उसको सम्मान दे गए। आज उसी सम्मान की कड़ी में ये आप देख रहे हैं, ये बिखरे हुए फूल आज एक माला में परोए हैं हमारे सुनील भाई ने, और दिल्ली में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सर से जानेंगे, सर सम्मान की लड़ाई बाबा साहब लड़कर गए, और आज सम्मान में पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में एक सम्मान देने का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद। आज ऑल इंडिया अंबेडकर सभा जो है उसने आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें बुलाया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो अभी यूपीएससी में कुछ जो लोग आए इसमें और दूसरी सर्विस में आए हैं तो उनके जो उनको सम्मानित किया जाए, जो इस वक्त यहाँ पर हैं अभी आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ये हुआ यह कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर यहाँ पर हम इकट्ठे हुए थे, और आपने सही कहा कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अगर उनकी जीवनियों को पढ़ेंगे तो वो बहुत एक संघर्ष उससे निकल करके, लेकिन फिर भी उस वक्त वो उन यूनिवर्सिटी में पहुँचे जहाँ आज हम नहीं पहुँच सकते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी की उन्होंने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त आज आप और मैं भी नहीं जा सकते, जाके कोर्स तो अटेंड कर सकते। तो ये अच्छी बात है कि अम्बेडकर साहब से बहुत प्रेरणा ली है पूरे देश ने, बल्कि मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र वालों का मैं सलाम करता हूँ कि जो है कि जितना जज्बा उन्होंने उनके अंदर है अंबेडकर साहब के लिए, हरियाणा में के लोगों का भी, तो अब सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनके जो संदेश था उसको हम जो है ग्रहण कर सकें, उसको आगे भी ले जा सकें। ख़ास तौर पर शिक्षा के बारे में बात हुई है हमारे यहाँ कि हमें शिक्षित होना चाहिए। ये अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर हम शिक्षित होंगे तो बाकी जितनी बुराइयाँ हैं, जातिवाद है चाहे और कोई चीज़ है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हमारे साथ कुछ नवयुक्त आईएएस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं सर के साथ में, और बड़ा अच्छा लगता है कि 30-35 साल का अनुभव और एक बिल्कुल जो भी आए हैं इस फील्ड में, दोनों एक ही मंच पर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ इनको भी सीखने को मिला। सर ने बड़े वक्तव्य में एक 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 बात भी कही, क्योंकि एक मंच से एक वक्ता ने ये कहा कि पढ़े लिखे आईएएस पीएचडी अधिकारी समाज को धोखा दे रहे। क्या 20-30 साल बाद आप तीनों चार लोग यहाँ पर हैं, आप भी यही सुनना चाहेंगे? आज काफ़ी जो इवेंट था काफ़ी अच्छा इवेंट था, काफ़ी अच्छा लगा इतना सम्मान दे के, और जैसे सब लोगों ने काफ़ी स्पीचेस दी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में काफ़ी सुना जो मैंने पढ़ा भी अपने जीवन में, और स्पेशली जो हमें चीफ गेस्ट हैं श्री दिलीप सर जी, जो उन्होंने सारी बातें बोली, काफ़ी अपने करियर से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने करियर में उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स को, आइडल्स को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करूँ और अपना पूरा अच्छे से काम करूँ। एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था पिछले 2 या 3 साल पहले टीना डाबी ने, लेकिन समाज हताश है, इतना मान सम्मान पूरे समाज ने उनको दिया। मुझे नहीं पता अंडर टेबल वो समाज के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन कहीं सामाजिक कार्यों में उनका नाम नहीं आता है। क्या इंस्पिरेशन आप आज दिलीप सर से लेकर जाएंगे? बिल्कुल, दिलीप सर ने आज जिस तरह की बातें बताई है हमें, उनका एक्सपीरियंस बताया, उनकी सर्विस में जितना उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया है वो सब हमें जानने को मिला है, और ज़रूर उनका जो एक्सपीरियंस है और जो उनसे अच्छी बातें हमने आज सीखने को मिली है, हम उनको अपने करियर में आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो ये जिम्मेदारी जो एक कर्तव्य हमें मिला है हम इसको पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप तो दिलीप सर के वैसे भी जो डी जो पहला नाम है आप तो उसी से हैं, क्या कहेंगे दीपक, आप तो स्वयं दीपक हैं। मैं यह जो प्रोग्राम हुआ इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और यही जो सीख है और ये जो अपनी यूनिटी है यही मैं आगे के अपनी सर्विस में पूरी के अच्छे से ले जाना चाहूँगा। और जैसे सर ने बताया कि जो भी एजुकेशन है और एजुकेशन के जो डिफरेंट डायमेंशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और उस वही मैं कोशिश करूँगा, और जो आप बता रहे हैं कि डी है तो मैं पूरा उस चीज़ का सम्मान करते हुए पूरा
कोशिश करूंगा कि उस पर कोई आँच ना आए। चलिए धन्यवाद। सुनील गोलपुरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली में इन्होंने किया है हरियाणा से आकर, क्या सोचते इसके पीछे और क्या वो मोटिवेशन देना चाह रहे थे समाज को? देखो मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और हमारे सोशल वर्कर्स को वो मान सम्मान नहीं मिलता जो इसके हकदार हैं, और हमने ये सोचा कि जो पूरे देश के सोशल वर्कर हैं जो बाबा साहब के मिशन की लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं उनको दिल्ली में इकट्ठा किया जाए, उनका मान सम्मान किया जाए। प्लस में मान सम्मान ही नहीं है, इन लोगों को हम सोशल सिक्योर भी करेंगे कि सरकार इनके ऊपर कोई भी एक्शन लेती है किसी भी प्रकार का तो हम लोग पीछे खड़े मिलेंगे, इनको आगे इनको बचाने का काम करेंगे, सरकार के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे इनको बचाने में। सोशल रिफॉर्मर्स की बात हुई है, सोशल रिफॉर्म की बात हुई है, मुझे लगता है एक बड़ा कदम आज दिल्ली से यहाँ से शुरू हुआ है और ये कारवा बढ़ता रहेगा। सुनील गोलबियर सर ने कहा है कि हम इस तरह के आयोजन हर साल करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।